नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। सबसे पहले एटीएल लाइव के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और यह नया वर्ष आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आए। बड़ी खबर है, आपको बता दें, सिवान के स्टेशन रोड स्थित संतोषी माता का मंदिर है, जहां पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मकर संक्रांति के मौके पर कंबल का वितरण किया गया। यह शुभ कार्य मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया है। और आपको बताते चले कि गरीब और असहाय लोगों के बीच मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा सिर्फ कंबल ही नहीं बांटा गया, उन लोगों के बीच चूरा और दही का भी वितरण किया गया। तो आपको बता दें कि ये कार्य जो है बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से सिवान के स्टेशन रोड स्थित संतोषी माता मंदिर के सदस्यों ने लगभग हजारों लोगों के बीच कंबल और चूरा गुड़ और दही का वितरण किया है, इससे गरीब और असहाय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उनके जख्मों पे मरहम लगाने का काम मंदिर समिति के सदस्यों ने किया है। बताते चले कि मंदिर समिति के सदस्य संजय जायसवाल, डॉक्टर राजा प्रसाद और श्याम सुंदर नगालिया ने बताया कि इस तरह के पुनीत कार्य मंदिर समिति के द्वारा लगातार जारी रहेगा। अंदर भी भैया बहुत लोग हैं, तो हम अनेक वर्षों की तरह इस वर्ष भी श्री दुर्गा मंदिर प्रबंध समिति श्री प्रभुनाथ जी के संरक्षक के तत्वावधान में भारतीय मकर संक्रांति के दिन माई स्थान दुर्गा मंदिर के कंबल का और चूड़ा और मीठा का वितरण किया जाता है। हजारों की संख्या में लोगों को जो है प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी कंबल का, चूड़ा का और मीठा का शाम को भंडारा वितरण किया जा रहा है। शाम को भंडारे का भी यहां प्रबंध है, खिचड़ी का। अपना नाम बता दीजिए। श्याम सुंदर नांगलिया, अध्यक्ष मंदिर प्रबंध समिति।